इतने गरीब घर की है ना बहू, कैसे झेलूंगी मैं इसको। ये चाची आ गई। इसने गले में जो पहना है ना वो मेरा हार पहना है, इसके पापा ने दिलवा दिया। दो चार दिन पहना चाहिए, उसके बाद ले लूंगी। चाची प्लीज डांस कर दो ना प्लीज। नहीं बेटा मुझे नहीं आता। अरे कर दो ना भाभी। नहीं नहीं दीदी। बहू सब लोग बोल रहे हैं तो करती क्यों नहीं हो डांस? ठीक है माँ जी, अब सब सिखाना पड़ेगा इनको कि नाचना पड़ता है शादी। दीदी ठीक है, अपने रूम में जाओ। कितनी गर्मी लग रही है इन कपड़ों में। मेरा हार कहाँ गया? मेरा हार कहाँ गया? अब तो सासू माँ मुझे मार ही डालेंगी। आ गई रूम में बहू? हाँ माँ जी। अच्छा थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद मंदिर पूजने जाना है, ठीक है? तैयार हो जाना टाइम से। ये तुम्हारा हार कहाँ गया? वही देख रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया। तुमने छुपा लिया ना? मुझे पता था ये गरीब घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। मैं क्यों चुराऊंगी? इनसे कहा था मैंने गरीब घर की लड़की मत लो, पर नहीं चुरा भी लिया इसने हार मेरा। कितना अच्छा हार था। मैंने नहीं लिया मम्मी जी। माँ ये रहा हार, आप भाभी को क्यों डांट रहे हो? क्या हमारा खेल रही थी। अरे ये हार कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे नीचे मिला था। और तुम ले लिया? पता है कितनी लड़ाई हो रही है वहाँ पे इसके पीछे, वो ले गई थी। सॉरी बहू, मुझे तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, पर एक बार ध्यान रखना, गरीब की लड़की हमेशा चोर नहीं होती। माँ बाप के दिए हुए सारे संस्कार होते हैं उसके पास, वो हमेशा गहनों और जेवरों पे नहीं मरती।